इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। डीसा की 3 बच्चियों को राष्ट्रीय एकता मंच ने पनाह दी। अभी कोरोना को लेकर डीसा में एक युवक को पेट की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल ले जाया गया, तब डॉक्टर बाहर हैं ऐसा बताकर डीसा के 2 डॉक्टर ने दवाई नहीं की और युवक की जान चली गई और उनकी 3 छोटी छोटी बच्ची निराधार हो गई। अब ये परिवार आगे का गुजारा कैसे करेगा, ऐसे में इनको सभी तरह का सहारा देने राष्ट्रीय एकता मंच के सदस्य सुनीता पडियाल ने इन परिवार को हर तरफ से मदद का वादा किया और इन बच्ची की पढ़ाई लिखाई कपड़े सभी संस्था करेगी और सरकार की मिलती सहाय दिलाने में मदद करेगी। आज ये संस्था प्रमुख की सुनीता पडियाल ने बताया और उनके सहयोग में डीसा के दिनेश भाई टांग, मनु भाई, आश नानी, दिनेश पुरोहित सभी आगेवान ने ये कार्य के लिए खुशी जताई। आनंद ढक्कर, गुजरात। खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आज रोज पूर्णा समय मैंने सुनीता बेन कटिहार जे राष्ट्रीय एकता मंचना लगभग उत्तर गुजरात ना अध्यक्ष जे एमनो फोन आयो तो कि मनुभाई आप 4-1 वागे हाजरी आप्यो के जे दीकरीओनो पिता एक्सपर्ट थया छे जे એમની દીકરીઓનું તમામ સગવડો આપણે કરવાની છે, ભણવાની છે, જેવી કે એમની વિધવા સહાય આપવાની છે, તો તમે અમારી સાથે રહી અને કરાવજો। પણ બહુ દુઃખદ ઘટના છે અને આવું મારી સરકારશ્રીને વિનંતી છે કે આવું બીજી વાર ન થાય એ રીતે એ લોકોએ કાર્યવાહી કરવી। હવે દોષી કોણ છે નથી એ તો ખબર નથી, પણ આવી ઘટનાઓથી મને ખેદ છે। તમે મનુકાકા આ પરિવારને કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ રહ્યા છો તેના વિશે માહિતી આપશો? હવે આવો લોકડાઉનનો સમય હતો અને પોલીસ બંદોબસ્ત બી ચુસ્ત હતો, છતાં પણ મને જેવી ઘટનાની જાણ થઈ હું તાત્કાલિક મને જ્યાં બોલાવ્યો હું ત્યાં ગયો છું। એના પછી એનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવી રાતના લગભગ 11:30 વાગે એમની બોડી મૂકી। હવે એમને જ્યાં જ્યાં મારી જરૂર પડશે